आज हम जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से बूटेबल सीडी कैसे बनाएंगे, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 का बूटेबल सीडी कैसे क्रिएट करेंगे। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में। तो चलिए शुरू करते हैं। बूटेबल सीडी या डीवीडी बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला ब्लैंक डीवीडी, जिसमें आप बूटेबल बनाएंगे। दूसरा, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप बूटेबल बनाना चाहते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल होना चाहिए। आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है, मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा, बूटेबल बनाने के लिए बूटेबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सबसे पहले हम बूटेबल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। बूटेबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। यहाँ टाइप करेंगे पावर आईएसओ, यहाँ जो पहला लिंक है उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ ये सॉफ्टवेयर दो बिट में मिलते हैं, पहला 32 बिट, दूसरा 64 बिट। आप चेक कर ले आपके कंप्यूटर में कौन सा बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मेरे कंप्यूटर में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहां आई एग्री में क्लिक करें, नेक्स्ट करें, इंस्टॉल में क्लिक करें, नेक्स्ट में क्लिक करें, क्लोज में क्लिक करें। ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ क्लोज में क्लिक करें। यहाँ जैसे मुझे बूटेबल सीडी बनाना है तो मैं बर्न में क्लिक करूँगा। यहाँ से आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाना चाहते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के आईएसओ फाइल को सेलेक्ट कर लें। जैसे मुझे विंडोज़ 10 का बूटेबल सीडी बनाना है तो मैं विंडोज़ 10 के आईएसओ फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में ब्लैंक डीवीडी इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ बर्न में क्लिक करें। बूटेबल डीवीडी बर्न होना स्टार्ट हो चुका है, इस प्रोसेस में कुछ समय लगेगा, आप वेट करें। हमारा बूटेबल डीवीडी बनकर तैयार हो चुका है, इसे क्लोज कर दें। इसी तरह आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल सीडी या डीवीडी बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।